जल जोरो जमीन, आप लोग समझते होंगे जल मनी जोरो लेडी वाइफ उसको और जमीन, और ये सब चीजें इससे ऊपर है सत्ता। सत्ता एक ऐसी चीज है कि इससे सब कुछ मिल सकता है। जब आदमी जब नहीं छोड़ना चाहता, जोरू नहीं छोड़ना चाहता, जमीन नहीं छोड़ना चाहता, तो आप समझते हैं कि किसी से सत्ता आप इतने आसानी से छुड़वा लेंगे क्या? पहले तो हम आपको अच्छा 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 एड्रेस कर रहे हैं, जो आज के कर्ता धर्ता हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, श्री केशव राव साहब, हमारे साथी माननीय सांसद गिरधारी लाल जी और माननीय सांसद श्री कृष्ण अय्यर साहब। मैं पहले तो बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने कम से कम इतनी जहमत उठाई इसके लिए। आपके दिल में कुछ कष्ट था तो ये, लेकिन मेरी जो कल्पना थी क्या हम कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ कितने लोगों के बीच में होंगे, वो इससे मैं निराश हुआ। आज संसद में लोकसभा राज्यसभा को मिला कर के कम से कम 70 से ज़्यादा हमारे ओबीसी, उससे भी ज़्यादा बहुत लोग हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी इस तरह की मीटिंग बुलाइए कोशिश करके, हम तो हर वक्त आप आदेश देंगे हर वक्त हाजिर, लेकिन सबको बुलाने के लिए एक ऐसा टाइम प्लान करना होगा कि देखिए संसद चल रही होगी तभी ज़्यादा लोग आएंगे, पहले तो ये बात, और संसद नहीं चल रही होगी सैटरडे संडे को तो ज़्यादा लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी जाएंगे। तो संसद चल रही हो और कुछ ऐसा देख करके थोड़ा रात को रखें, ऐसे समय कि जब काफ़ी लोग फुर्सत में हो जाते हैं तो लोगों की आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी उसमें, और उनको थोड़ा जोर देकर मनोहार करके रिक्वेस्ट करके अपने सोसाइटी के काज के लिए उनको लगना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। जब तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं 90% तो पूरा के पूरे तो नहीं, पूरे के पूरे तो कहीं नहीं आ पाते हैं किसी न किसी कारण से, जब तक नहीं आएंगे तब तक कैसे ये काम समाज के आगे बढ़ेगा, मुझे तो नहीं लगता बढ़ेगा। अभी आपने कहा कि हाउ लॉन्ग वी कैन कीप क्वाइट, तो वी विल कीप क्वाइट, चिल्ला के भी क्या करेंगे, अगले 100 साल तक ऐसे चिल्लाएंगे तो भी नहीं होगा। हमको अपनी ताकत, अपनी जोश, अपनी स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। अब पानी बहता जाता है तो एक पत्थर का टुकड़ा या हाथ से भी आप उसको रोक लें, लेकिन कभी पानी का प्रवेग भाव इतना होता है, आपने देखा है, तो बड़े बड़े बिल्डिंग और बांध ध्वस्त हो जाते हैं। हमको उस तरह से काम करना होगा। देखिए हम अभी हमारी जो जिस ढंग से हमारी कोशिश है, मैं आपकी कोशिश आपको निराश नहीं करना चाहता, आपने इतना ही किया है अपनी इस अवस्था में, वहाँ से आए हैं, इतने लोगों को जुटाया है, ये आपने बहुत किया है, लेकिन आपकी तरह हमारे हर जन प्रतिनिधि को जुड़ना होगा और जन जन को जुड़ना होगा, तब हम जाकर के कहीं अपने मकसद में कामयाब होंगे। मैं दो मिनट में अपनी संक्षेप में बात फिर करना था। दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि तीन चीजें हैं जिसके लिए जल जोरो जमीन, आप लोग समझते होंगे जल मनी जोरो लेडी वाइफ उसको और जमीन, और ये सब चीजें इससे ऊपर है सत्ता। सत्ता एक ऐसी चीज है कि इससे सब कुछ मिल सकता है। जब आदमी जर नहीं छोड़ना चाहता, जोरू नहीं छोड़ना चाहता, जमीन नहीं छोड़ना चाहता, तो आप समझते हैं कि किसी से सत्ता आप इतने आसानी से छुड़वा लेंगे क्या? ये हमको माफ करिएगा, हमको अभी जिस स्टेज पर हैं हम लोग,
इसको सोचना ही नहीं चाहिए। एक इंच नहीं देगा, एक तिनका नहीं देगा। वक्त की जरूरत है, अगर चाहते हैं सब लोग मिल करके इतना प्रयास करें कि इस भावना को, ओबीसी की भावना को जन जन तक पहुंचाएं और एक अभियान के रूप में, एक रिवोल्यूशन के रूप में जब तक हम लोग नहीं चलेंगे तब तक हम लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ऐसे हम लोग 50 साल 25 साल ऐसे चलते रहेंगे। मेरा तो यही कहना है कि अपने ओबीसी समाज के संगठन को ढेर सारे लोगों को जोड़ना है, उसमें सबको साथ लेकर के चलना है। क्योंकि आज क्या है, हमारा ही ओबीसी उधर बैठा है छिटक करके सत्ता में, वो जो नहीं आता, जो हमारी जो जरूरत है, जो आज सत्ताधारी पार्टी के एमपी हैं गिरधारी लाल जी आ तो गए हैं, लेकिन बहुत लोग आने से कतराते हैं, डरते हैं। जब तक उनके मन में, चाहे सत्ता में पाले के उधर बैठा हो चाहे पाले के इधर बैठा हो, जब तक वो ओबीसी के लिए खोल कर नहीं आएगा तब तक हम अपने दूर दूर तक अपना मकसद कामयाब होते नहीं देख पा रहे हैं। मैं राव साहब को ये कहना चाहता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है, मेरे दिल में ओबीसी के प्रति जैसे आप है वैसे भी है दर्द, छलकता है। और जहाँ आप मुझे हिंदुस्तान के किसी कोने में आवाज़ देंगे, इशारा करेंगे, तो मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, यही कर सकता हूँ। और गलती से आप सेंट्रल हॉल में मिले थे, मैंने 21 में नोट कर लिया था। अब ये तो मैं रास्ते में था नोएडा के, उन्होंने कहा कि और वो आज ही है आप आए नहीं, तो मैं और प्रोग्राम फिक्स किया था, इसलिए आप लोगों से माफ़ी लूँगा और बोलने के बाद विदा भी लूँगा। फिर कभी हम जरूर मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।